अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं रावलपिंडी इस्लामाबाद में पहुंचा हूं। तो यहां पे एक बड़ी खूबसूरत जगह है, शक्कर पड़ियाँ उस जगह का नाम है। तो हमने सोचा कि वहां जाएं, थोड़ा सा विज़िट करेंगे और यहां की जो है वो थोड़ा सा व्लॉग हम बनाएंगे। तो ये जो रोड ऊपर की तरफ आ रही है, यहाँ से ये शक्कर पड़ियाँ की तरफ जा रही है और ये एक जगह बड़ी खूबसूरत जगह थी। तो यहाँ खड़े होकर मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो इस जगह को शूट किया जाए यहाँ से। तो ये बहुत खूबसूरत, अगर मैं आपको ये दिखाऊँ, बहुत खूबसूरत जगह है। और ये रोड जो है वो यहाँ से ऊपर जाती है शक्कर पड़ियाँ की तरफ। तो अभी हम जाएंगे यहाँ पे, आपको पूरा जो है वो ऊपर जाके भी दिखाएंगे सारा। तो बड़ी खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत। अगर आप यहाँ रोड का मंज़र देखें तो बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत है। और बहुत ज़बरदस्त जगह है ये। और अभी हम ऊपर जाएंगे, ऊपर से भी होके आपको जो है वो सारा व्यू दिखाएंगे। और उसके बाद आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, मौलाना आशिक इलाही साहब, मेरे कज़न भी हैं, मेरे बहनोई भी हैं। और ये इनके पास, हम पिंडी में आए, इनको हमने लिया और इनके साथ जो है वो हम जाएंगे शक्कर पड़ियाँ। तो वहाँ जाके आपको मज़ीद जो है वो चीज़ें दिखाएंगे। और मुझे 100% यकीन है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। और ये हमारे छोटे, ये मेरा भांजा है और भाई साहब जो है वो साहबजादे हैं, और मेरे जो साहबजादे हैं वो कुछ वीडियो बना रहे हैं ये ऊपर अपनी। इन्होंने अपना चैनल है, अब इनका अपना चैनल है, उस पर जो है वो कुछ व्लॉग वगैरह रख डालते हैं ये। तो इसके बाद आपको जो है वो लेके चलेंगे ऊपर शक्कर पड़ियाँ, और वहाँ ऊपर जाके अंदर जाएंगे और पूरा जो है वहाँ का जो व्यू है वो आपको वहाँ से दिखाएंगे। और वहाँ से बड़ा दूर दूर तक जो है वो नज़ारा आपको नज़र आएगा। तो आइए चलते हैं ऊपर और वहाँ जाके जो है वो फिर मज़ीद हम जो है वो कैप्चर करेंगे वीडियो को। जी तो दोस्तों, ये हम लोग यहाँ आ गए हैं अपना शक्कर पड़िया में, और जो है वो अपनी बाइक वगैरह जो है वो हमने पार्क की है वहाँ पे। और ये तमाम विज़िटर हैं जो यहाँ पे विज़िट करने आते हैं, तमाम उनकी जो है यहाँ पे पार्किंग है। आगे चल के इसका जो है टिकट वगैरह लेंगे और उसके बाद जो है वो आपको जो है वो अंदर लेके चलेंगे, एंट्री होगी और पूरा जो है वो अंदर आपको जो है वो व्यू करवाएंगे। तो पूरा यहाँ से आगे जाके टिकट लेंगे और उसके बाद जो है वो आपको यहाँ दिखाएंगे। आपको ये पूरे पीछे रेस्टोरेंट चीज़ें बनी हुई हैं, लोग खाने पीने का पूरा इंतज़ाम है, बैठने उठने का चेयर वेयर लगी हुई है। और अगर घोड़ सवारी किसी को करनी है तो सामने घोड़े भी मौजूद हैं। और यहाँ से हम टिकट वगैरह लेंगे और फिर अंदर एंट्री करेंगे, आपको पूरा जो है वो मज़ीद जो है वो आपको। ये हम पहुँच चुके हैं, एंट्री हो गई है हमारी शक्कर पड़ियाँ, जो पिकनिक की जगह है यहाँ पे। तो ये खूबसूरत जगह है, यहाँ पे पूरा व्यू आपको जो है वो ऊपर से करवाएंगे इसका। और वो ऊपर फ्रंट पे जाएंगे और वहाँ से जो है वो बड़ी खूबसूरत जगह है और बहुत हाइट पे जो है ये बनी हुई जगह है और बहुत अच्छी जगह है। ऊपर जब जाएंगे वहाँ मस्जिद, तो वहाँ से आपको ऊपर इसकी हाइट से जो है जो चीज़ें नज़र आएंगी, बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत। ये अगर आप मेरी बैक साइड देखें पूरा आपको नज़र आ रहा है। तो ऊपर जाएंगे और ऊपर से जो है वो आपको
मज़ीद चीज़ें जो है वो ऊपर से दिखाते हैं हाइट से, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त होंगी, बहुत मज़ा आएगा। ये पूरी तरफ ग्रीन इलाका ये है। मज़ीद अभी ऊपर जाएंगे, वहाँ जाके अब बहुत को आपको जो है ना ज़बरदस्त व्यू करवा देंगे आपको। ये जो है वो हम सीढ़ियाँ यहाँ से चढ़ के ऊपर जा रहे हैं, सांस तो फूला हुआ है हल्का हल्का, और ये हम पहुँच चुके हैं ऊपर और पसीना भी आ रहा है। यहाँ से आपको पूरे इस्लामाबाद का जो है वो व्यू करवाते हैं। ये आप यहाँ से देखिए, पूरा आपको दूर तक नज़र आ रहा है हाइट से, ये इस्लामाबाद और सामने दामने को, और मैं फोकस करके आपको फैसल मस्जिद का थोड़ा सा दीदार करवाता हूँ दूर से। ये फैसल मस्जिद यहाँ से, और ये पूरा यहाँ से आपको बैकग्राउंड दूर तक जो है ये आपको नज़र आ रहा है, बहुत बेहतरीन जगह का व्यू है। और ये आपको कुछ नक्शो नगार दिखाते हैं जो यहाँ पर बने हुए हैं, और इस नक्शो नगार को देख के तो आपका दिल भी खुश हो जाएगा। आपको मैं थोड़ा सा छाँव पे चला जाऊँ, उसके बाद जो है मैं आपसे को ये पूरी नक्शो नगार, अगर आप ये कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और ये आप चेक करें, आप क्या ज़बरदस्त नक्शकारी है। और इसी तरह भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, तो माशाल्लाह ये आपको दिखाता हूँ, ये अल्लामा इकबाल की इन्होंने यहाँ पे पिक्चर जो बनाई हुई है, और उसके अलावा भी कुछ आपको मैं आगे और भी व्यूज़ यहाँ पे अगर आपको ये नज़र आ रहा है जो कि घोड़े और घोड़ों पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, और फिर ये एक घर सब क्या दिखाया हुआ है जिसमें लोग हैं, ये मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या है। ऐसी बात, इसको पूरी स्टडी करनी पड़ेगी। तो जो बनाया हुआ है वो क्या ही ज़बरदस्त है, और ये पूरा जो है वो आप इसका जो है वो अगर देखें तो, और बाकी इसकी बैक साइड पे भी जाके आपको जो है वो मज़ीद आपको व्यू करवाता हूँ मैं। ये आपको नीचे नज़र आ रहा होगा सारा इस्लामाबाद का इलाका पूरा जो है ये, अगर आप इसको देखें तो पूरा व्यू, और यहाँ से होके पूरा इस्लामाबाद जो है वो आपको यहाँ से नज़र आ रहा है। ये है शकरपनिया, जहाँ से होके आप पूरे इस्लामाबाद को जो है वो नज़ारा कर सकते हैं आप। ये आप जी,
ये पूरा जो है वो आपको दिखाया है। उम्मीद है कि आपको ये बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। ये शक्करपड़ियाँ और यहाँ से जो पूरा दूर दूर तक जो है ये नज़ारा नज़र आ रहा है, आपको बहुत पसंद आएगा। ये पूरी जगह, ये नीचे रोड है, मरी रोड 0 पॉइंट है सारी 0 पॉइंट। और अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो आपसे आपको जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना यहाँ से व्यू मिलेगा, जो कि पूरी रोड ये जो है आपको क्या खूबसूरत नज़ारा यहाँ से देखने को मिल रहा है, पूरी रोड और गाड़ियाँ और बहुत कुछ। और ये दूसरी तरफ से आप यहाँ का नज़ारा कर सकते हैं, क्या खूबसूरत जो है वो व्यू है बैक साइड पे। और पूरा इस्लामाबाद दूर दूर तक जो है ना आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, पूरा बैकग्राउंड हर तरफ हरियाली और पूरा बहुत खूबसूरत समय। अगर मैं आपको दिखाऊं पूरा तो मतलब मेरे पास कहने को है कुछ नहीं कि मैं कैसे जो है ना वो डिस्क्राइब करूं इस जगह को। यकीन कीजिए आप इस खूबसूरती का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं, यहाँ की हरियाली, यहाँ का सब कुछ दूर दूर तक। और यहाँ से मैं अगर आप देखें तो बिल्डिंग के बिल्कुल उस तरफ आपको जो है ना फैसल मस्जिद जो है वो नज़र आ रही होगी जी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है वो बहुत पसंद आई होगी ज़रूर, और आप जो है वो वीडियो को लाइक भी करेंगे और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे कि आपको ये जो जगह है ये आपको कैसी लगी। कमेंट्स ज़रूरी हैं क्योंकि कमेंट्स करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और कहां कहां पे क्या गलतियां हैं, ताकि उन गलतियों को जो है वो सही किया जाए। और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है और ज़्यादा रुक नहीं सकता क्योंकि आज रात को जो है वो मुझे कराची के लिए रवाना होना है, टिकट है मेरी रात की। तो इंशाल्लाह आप जो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे वो किसी कराची के किसी प्लेस की होगी। तो जब तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।